अगर आपको समझ आ गई तो फर्दर स्टार्ट करते हैं। मेरा प्लीज भी आप चैट पे कंफर्म कर दें कि आपको समझ आ रही है। हाँ कंफर्म कर दें प्लीज आपको समझ। आपको समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ रही है फर्दर स्टार्ट करते हैं। जी जी सर, समझ आ रही है। ओके चलिए फिर हम सबसे स्टार्ट करते हैं। आपको ये सारे जो ऑप्शन थे हमने बता दिए हैं इस साइड पे, और फर्दर हम इसको करते हैं। प्लीज आप अगर म्यूट कर लें, म्यूट किया हुआ है शायद, म्यूट कर लें आप। बस जी जी किया हुआ है। ठीक है, आप म्यूट कर लें आपको। बाकी हम फर्दर हमने ये जो था ऑप्शन हमने डिस्कस किया था, सही है, हमने बॉक्स बनाया। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को, क्योंकि ये हम आगे जाएंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में। तो इस ऑप्शन का बहुत हमारा ये ऑप्शन जो है हमें बहुत काम आएगा नेक्स्ट में, हमें बहुत काम आएगा शेप बनाने के लिए, मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए बहुत काम आएगा। हम इस पे आए थे पहले भी, हमने यहाँ पर क्लिक किया था, ये इस तरह का हो जाता था, सर्कल शेप में आ जाता था। ये हमने इसकी क्रॉस कॉर्नर से हमने किया था सेट, कॉर्नर्स आ रहे हैं शो हो रहे थे आपके पास, हमने इनसे किया था। ये कॉर्नर्स आ रहे हैं आगे, इसके इससे हम ये सर्कल शेप में लेके आ सकते हैं। और अगर हम इस पे आके इस बॉक्स के ऊपर आकर अपने माउस को लेकर आकर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया शो हो रहा होगा। हमारे पास इस सब क्राइटेरिया के अंदर हमें सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक होती है कन्वर्ट टू कर्व्स की और दूसरी होती है पावर पावर क्लिप इनसाइड की। एक कन्वर्ट टू कर्व्स की और पावर क्लिप इनसाइड की, ये दो चीज़ें कॉमन है। और बाकी कॉपी तो आपको पता है, कॉपी पेस्ट हम वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं अगर क्लिक करूँ कन्वर्ट टू कर्व्स पे तो हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। अब हम इनके कॉर्नर्स पर पकड़ कर यहाँ पे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे लेके आ जा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। अगर हम ये चाहते हैं कि इसको और अगर चेंज किया जाए, आप इस लाइन पे अगर ये जो लाइन आ रही है इस पे अगर आप एक दफ़ा क्लिक करें तो ब्लैक डॉट आ जाएगा, अगर आप दो दफ़ा क्लिक करेंगे तो एक नई साइड खुल जाएगी। ये फोर साइड पहले थी, 1 2 3 4 और फाइव, ये हमने फाइव वाली खुद ओपन की डबल क्लिक करके। जिस तरह मैं इस पे सपोज करता हूँ, सपोज करें आप, मैं क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, डबल क्लिक किया और ये नई साइट ओपन होगी। ये मतलब कि फाइव फाइव कॉर्नर बन गए इसके, सही है, आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और अगर एक और चीज़ है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो ब्लैक डॉट आता है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं फर्दर, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हम इस पे वन टाइम क्लिक करें अगर तो, और यहाँ पे आ जाएं, ये टेढ़ा सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इस पे आप क्लिक कर दें तो इस पे इससे आप अपने शेप को सर्कल शेप में लेके आ सकते हैं। वो होगी अपनी मर्जी है, अब यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरह, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ इसको भी मैं इस तरह कर दूँ, इस पे एक दफ़ा क्लिक किया ये ब्लैक डॉट आ गया, अब यहाँ फर्दर आएंगे इसको कैन के ऊपर ले जाएंगे, सही है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी मैं कर दूँ इसको, यहाँ पे आके मैंने इस पर क्लिक किया, क्योंकि मेन जो चीज़ है सिर्फ यही थी जो मैंने अभी आपको दोबारा बताता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, ब्लैक डॉट आ गया। मेन चीज़ जो है ये सिर्फ यही है इसके अंदर, यही हम जो नई क्लासेस होंगी इसमें यही ज़्यादातर काम आएगी। इस तरह गलत हो गया, क्लिक नहीं किया था वहाँ पे, उस पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ तक नई शेप बन गई है, हमने शेप नई बना दी, सही है। और एक एक चीज़ रह गई थी पावर क्लिप इन साइड वाली, मैं इस पे आऊँगा दोबारा क्लिक करूँगा, ये मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा बल्कि इस पे नहीं करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा और इस पे आके सेकेंड वाले ऑप्शन पे आके राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा। और क्यों नहीं ऑप्शन शो हो रहा? क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको कन्वर्ट टू कर्व्स में कर चुका हूँ। मैं एक नया बॉक्स ओपन कर लेता हूँ,
क्योंकि फोटो है इसलिए पर क्लिप इंसाइड नहीं होगा उस पर। अगर ये बॉक्स मैं जिस तरह ये मैंने ये ओपन किया है इसमें करके दिखाता हूँ आपको भी, इस पर आप पाए पावर क्लिप इनसाइड, ये रहा पावर क्लिप इनसाइड भी आप क्लिक करें और ये एक एरो आगे राइट साइड की तरफ जा रहा है, ये राइट साइड की तरफ जा रहा है इस तरह। आप बॉक्स पे लेके आकर इस पर क्लिक कर दें, ये आपके बॉक्स के अंदर हो गया, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स ऐड हो गया, सही है इस तरह ऐड हो गया। आप इस बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दे रहे हैं, एडिट का ऑप्शन, आप एडिट पर क्लिक करें और अपने बॉक्स को अपनी जगह पे सेट कर सकते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं उसको छोड़ दूँ, ये बॉक्स आप इस साइड पे आ गया और आप इस साइड पे आ गए। ये ऑप्शन था पावर क्लिप इनसाइड का, सही है। उम्मीद है कि पावर क्लिप भी आपको समझ आ गई होगी। जब हमने छोड़ा तो ये क्रॉस आ गया, ये क्रॉस क्यों आया, क्योंकि हमने पहले उसके अंदर पुट किया था ये बॉक्स, ये हमने निकाला था तो क्रॉस आ गया, हमने दोबारा पुट कर दिए। हमने दोबारा पुट कैसे किए, हमने कंट्रोल जी दबाया, प्रेस किए तो वो दोबारा अपनी जगह पे अपनी हालत पे आ गए। फर्दर इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, एक ये डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी पेन का ऑप्शन है, ये एक यहाँ पेन का ऑप्शन दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करके भी कलर अपने चूज कर सकते हैं, जिस तरह ये कलर है मैं कदम चूज कर लूँ इसे, ये चूज नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्लिक किया ये चूज क्यों नहीं हो रहा, यहाँ से ये ब्लड ड्रा का कलर उठा नहीं रहा। अगर आप इस पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे और अपने कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया कलर ऐड कर देगा, देखिए अब ये ग्रीन है, मैं पेंसिल पे क्लिक करूँगा और येलो पे क्लिक करूँगा तो ये फर्दर आपके पास येलो ऐड कर देगा नया। फिर आप क्या करेंगे, आप इस बॉक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आके ये येलो पे क्लिक कर दें, आपका बॉक्स येलो हो जाएगा। आप ग्रीन क्लिक करें ग्रीन हो जाएगा, डिफरेंट कलर्स हैं, हमने जो पहले ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं वही कलर्स यहाँ पे दोबारा शो कर रहे हैं, ये कलर है हमारे पास, सही है इसका। ये यहाँ पे पेंसिल है, मतलब कि आईड्रॉपर टूल यहाँ पे भी है और ये टूल यहाँ पे भी है, दोनों सेम है, ये सेम वर्क करते हैं। और अगर हम देखें तो जूम करके इसको, इसकी इस बॉक्स की साइडों पे ब्लैक लाइंस आ रही हैं, ब्लैक लाइन आ रही है। मोस्टली क्या होता है, हमें इसको रिमूव करना पड़ता है, हमें इसको रिमूव करना पड़ता है। तो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, इस ब्लैक लाइन को साइड वाली पे, अगर हम इसको जूम आउट करें तो ये इतना क्लियर वाजह नहीं हो रहा, हमें क्लियर नहीं हो रहा ये। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पर रख के जूम करें तो फुल क्लियर हो रहा है, सही है। हम इसके कॉर्नर से एक जूम कर लेते हैं, ये आउटलाइन है इसकी, इसको कहते हैं आउटलाइन, ब्लैक लाइन साइड वाली जो आ रही है उसको हम कहेंगे आउटलाइन। और ये पेंसिल वाले ऑप्शन के साथ जो है एक वाइट बॉक्स के ऊपर रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, वाइट बॉक्स के ऊपर रेड लाइन नज़र आ रही है। अगर आप इस पे जाके माउस का राइट वाला बटन प्रेस करेंगे, राइट वाला बटन, तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ये पेंसिल वाले ऑप्शन आईड्रॉपर टूल के साथ अगर यहाँ पे देखें तो वाइट बॉक्स है, यहाँ पे वाइट बॉक्स के ऊपर रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब जो है कि आपके जो बॉक्स की साइड साइड वाली लाइन्स होती हैं या सर्कल्स की साइड वाली लाइन्स होती हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं, आप इसके ऊपर लेके आकर अपने माउस का राइट वाला क्लिक करें, मैं क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक लाइन रिमूव होगी, मैं बात करता हूँ, क्लिक किया ये लाइन रिमूव होगी। अगर मैं इसको माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस करता हूँ तो अंदर से ये कलर था वो ख़त्म हो गए। अगर मैं लेफ्ट वाला क्लिक करूँगा अंदर वाला कलर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, अगर मैं राइट वाला क्लिक करूँगा तो बाहर वाली जो आउटलाइन थी वो ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह मैं ये आउटलाइन खत्म हो गई है। ये अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, नीचे के ऑप्शन आ रहे हैं। अभी हमने ये वाला बॉक्स बनाया था, इसके साइडों में भी आउटलाइन आ रही थी, अभी हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, हमने इधर आएंगे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दोबारा हमें दे रहे हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जूम करता हूँ मैं, इसकी आउटलाइन हमने रिमूव करनी है, इस पे आके दोबारा राइट क्लिक कर दिया, कैंसिल कर दिया, ओके कर दिया और ये आउटलाइन भी इसकी रेज होगी। अब ये ब्लैक लाइन दोनों की थी वो रेज होगी, इसकी भी रेज होगी, सही है, और इसकी जो ब्लैक लाइन थी वो भी रेज होगी। ओके
और बाकी नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं ये सारे डिफरेंट कलर्स के हैं, फिर क्लिक करूँगा ये कलर आ जाएगा, ये कलर डिफरेंट कलर, येलो, ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज, मैरून, रेड, ब्लू, डिफरेंट डिफरेंट कलर आ रहे हैं। ये कलर आपके पास डिफरेंट शो हो जाएंगे, नीचे कलर्स आ गए। अच्छा, और जो दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कलर ऐड कर लिया है, आप उसको फर्दर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये ब्लू एक ये ऑप्शन आ रहा है, एक ये ऑप्शन आ रहा है, ये दो दो बॉक्स आ रहे हैं। आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है जिसपे ब्लू ब्लू आ रहा है। हमारे पास ब्लू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे बॉक्स का कलर ब्लू है। अगर इसका कलर हम ग्रीन करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन शो होगा, अगर हम इसका कलर रेड करते हैं तो ये रेड शो होगा। हम इस पर आके अब डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन फर्दर कलर आइटम पर शो कर रहा है, इससे हमने क्लिक किया, क्लिक करके रेड पे क्लिक कर दिया और ये दोबारा हमारे पास वही शो। हम इसको यहाँ से क्लिक करके साइड पे ले जाते हैं, ये इस जगह से साइड पे ले जाते हैं और अपने कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर चेंज हो रहा है, आपको पता लग रहा होगा ऑटोमेटिक, चलिए ओके कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए देखिए कलर चेंज हो गया, सही है। और ये साइड पे कलर स्कीम आपको बताई थी, यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे भी जो है आउटलाइन रिमूव करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, एक यहाँ इस जगह पे भी आउटलाइन रिमूव करने के लिए और एक इस जगह पे भी, दोनों जगह पे आउटलाइन रिमूव करने का ऑप्शन है। अगर हम इसके इस पर जाके एंटर क्लिक करते हैं, वही सीन सारा हो गया, कंट्रोल जीरो पाऊंगा अपनी वापस दोबारा उसी हालत में आ जाएगा, सही है। बाकी आप इस जगह से हमारे पेज को नीचे ऊपर लेके जा सकते हैं और इस जगह पे आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं इसे, सही है। आपको ये सारे टूल्स जो कोरल ड्रा के अंदर मेन यूज़ हो रहे हैं आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ आप मैसेज कर दें कि आपको समझ आ रही है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको समझ आ रही है। ओके, अभी आप प्लीज कंफर्म कर लें कि आपको समझ आ रही है। ओके, कोरल ड्रॉ अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो या कल हो या फिर अभी क्लास एंड होने के बाद टाइम हो तो आप कोरल ड्रॉ डाउनलोड कर लीजिएगा। वो मैंने बताया था कि कोरल ड्रॉ क्या कहते हैं, कोरल ड्रॉ टाइप करिएगा, कोरल ड्रॉ गेट इनटू पीसी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसे, सही है। अभी यहाँ जो यहाँ पे नेम आ रहा है क्लास अटेंड कर रही है, यहाँ पे उनका फेसबुक मैसेंजर पे जो नेम यूज कर रहा है वो आप प्लीज बता दें हमें, कौन सा नेम आप यूज कर रही हैं, क्योंकि मैसेंजर भी हमारे पास कोई अभी नेम की मेरे ख्याल से नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है अभी नाम का, प्लीज़ आप बता दें हमें क्या क्या नेम यूज़ करें। हाँ जी, ओके ओके, हाँ जी, ये गलत टाइप हो गया, कोई मुश्किल नहीं। और बाकी अगर आपको कोई भी मसला होता है तो मैं वीडियो आपको फिर सेंड कर दूंगा, ताकि आप वीडियो भी देख लीजिएगा, या फिर आप ये मैसेंजर पे आके आप मैसेज कर सकते हैं और फर्दर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे ये जो टूल थे ये साइड वाले सारे यहाँ तक हमारे क्लिक ये क्लियर हो गए थे, अब टूल्स रहेंगे ऊपर वाले, हम अब ये भी आज ही उम्मीद मैं कोशिश करूँगा कि आज ही आपको समझा दूँ सारे, ताकि ये डिलीट हो जाए। बाकी हमने डब्बे पे क्लिक किया, इस बॉक्स पे क्लिक किया तो एडिट का ऑप्शन आ गया हमारे पास, फर्दर हमने पहले बताया आपको। और अगर हम ये हम चाह रहे हैं कि ये जो है ये ब्लू जो बॉक्स है हम इसको इस साइड पर लेके आना लेके आए, इस बॉक्स को विदाउट एडिट किए हम इस साइड पे लेके आए, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये एक पहले वाइट आ रहा है और फिर आ रहा है ब्लू, ये हमेशा इस तरह होता है, आपका बॉक्स के अंदर जो भी कलर होगा ये आपको ब्लू शो करेगा, ये आपको हमेशा ब्लू शो करता है। अगर अब मैं करता हूँ कि रेड ऐड करता हूँ फिर ब्लू शो कर रहा है हमारे पास, और ग्रीन ग्रीन करता हूँ फिर ब्लू शो कर रहा है, ये अपना रंग एक ही होता है, इसका रंग फिक्स ही होता है, ये ब्लू ही होता है। अगर हम मैं कह रहा हूँ कि इसको इस बॉक्स को इस साइड पे लेके आऊँ साइड पे, तो इस पर अगर हम क्लिक करें
तो ये चेंज हो गया, ये ऑटोमेटिक बॉक्स इस साइड पे आ गया। और अगर मैं कहूँ ये वाला बॉक्स मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, फिर आप इसके साथ ऑप्शन आ रहा है, एक ऊपर वाइट आ रहा है, नीचे ब्लू आ रहा है, फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बॉक्स इस साइड पे आ गया। अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बॉक्स इस साइड पे आ गया, मतलब कि आप इसको अपनी बॉक्स को अपडेट कर सकते हैं दोबारा अपनी एल्बम में ले आए हैं। इन दो टूल्स को यूज़ करके, सिर्फ इन दो टूल्स को यूज़ करके अपने बॉक्स वाले बॉक्स को चेंज कर सकते हैं, दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं उसे आप। सही है, दोबारा बॉक्स पर मैं क्लिक करूँगा, मैं कह रहा हूँ मैं सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, माउस के नीचे वाले पे ये क्लिक किया और मैं इस पर क्लिक करूँगा। अगर ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिंपल गोल सा बना के दे रहा है, हमें सर्कल शेप में बना के दे रहा है। अगर हम मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सेकंड वाले पे, हमने जब इसको रोटेट किया तो ये फर्स्ट वाले पे था, ये देखिए फर्स्ट वाले पे आ रहा है, तो सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का शेप हमें दे देगा बना के, इस तरह का शेप दे देगा। और अगर हम थर्ड वाले पे क्लिक करें तो ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन देगा हमारे पास। हमारे पास जो फर्स्ट था वो सर्कल शेप था, सेकंड था वो इनर सर्कल था, और थर्ड जो था वो स्ट्रेट लाइन थी। मतलब कि ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो गई हैं, बाकी ये जो नंबर्स आ रहे हैं आप इनको ना छेड़ें तो बेहतर रहेगा। ये चीज़ें जो आ रही हैं, ये भी आ रही हैं और ये जो आ रही हैं, ये बात की बातें हैं, आप इनको फिलहाल ना छेड़िएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने जो ऑप्शन है कंट्रोल जी का, वही ऑप्शन इन चीज़ों का है, जो ऑप्शन कंट्रोल जी का है वही इन चीज़ों का है। अब इस पर रोकेंगे माउस को अपने को, ये कहेगा अंडो, इस पर क्लिक करें, जो मैंने पहले बनाया था वो आ गया है, दोबारा क्लिक करें, जो पहले बनाया था वो आ गया है। सही है, ये इस तरह ये अंडो रिडो, और हमने जो पीछे किया है हम दोबारा चाह रहे हैं हम उसी जगह पर लेके जाएँ, आगे लेके जाएँ हम उसको, इस पर हम क्लिक करेंगे रिडो, दोबारा अपनी जगह पर आ गए, वही अपनी जगह पर वापस आ गए। इनसे भी कर सकते हैं और आप कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल जी से। सही है, और बाकी जो ऑप्शन है ज़्यादातर आप इनको भी छोड़ दें फिलहाल, तो जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं और जो ये चीज़ें आ रही हैं ऊपर, ये टूल्स वगैरह, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनकी फ़िलहाल के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। सही है, और अब मैं एक आपको छोटी सी मतलब कि प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आप ले लें कोई सोशल मीडिया पोस्ट, सिंपल से उठा लेते हैं कोई भी, सिंपल से कोई भी उठा लेते हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी रहे, मुश्किल ना हो। हम चलो खुद ही बना लेते हैं, आइडिया हमारे पास भी है कि कैसे बनाना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया पोस्ट के पोस्ट का साइज होता है वो 1280 पिक्सल और 720 पिक्सल, ये होता है विड्थ टू उसकी होती है 1280 पिक्सल, हाइट जो होती है 720 पिक्सल। तो ये हमने ओपन किया था, हम इस पर रख के बॉक्स अपना बनाते हैं, हमारा जो बॉक्स है यहाँ से ये देखें फिट नहीं हुआ इसके ऊपर, फिट अगर डाल भी हो थोड़ा बहुत इस तरह का इशू हो जाए कोई मसला नहीं है, इतना ही हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा इतना इतने का इशू ना हो, इतना फिर वो सारा साइज जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, इतना भी हो तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा गैप रहेगा कोई मसला नहीं है इसका। और इस तरह ये है, ये इसमें काफ़ी फ़र्क आ रहा है हमारा, ये इसको हम यहाँ से कॉर्नर से पकड़ कर यहाँ पे लेके आएंगे, अब यहाँ से रहेगा हमारा ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस कोने पे ऑप्शन आ रहे हैं, हमने जो छोटा बड़ा किया वो यहाँ से किया, और हम चाह रहे हैं कि हम मिड से छोटा बड़ा करें